आगे बढ़िए। धन्यवाद। सागर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रभु सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही पठारी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार की तलाश में यहां वहां नहीं भटकना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार स्थानीय स्तर पर ही अधिक व्यक्ति को रोजगार देगी। धर्म और जाति के नाम पर भाजपा ने आज तक लोगों को ठगने का काम ही किया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो शर्म आती उन नेताओं पर जो मंच पर विकास के वादे कर क्षेत्र की भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं। आज सैकड़ों युवा रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़ चुके हैं। यह बात कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रभु सिंह ठाकुर ने पठारी में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र का कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। भाजपा के सांसद आपके गांव जीतने के बाद कभी लौट कर आए हैं क्या? मैं पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र की जनता के बीच बिना टिकट कार्य कर रहा हूं, लेकिन आज मैं टिकट लेकर आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। हम हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो वचन बोले थे, वचन कहे थे चुनाव के पहले, वो पूरे वचन के निर्वहन में हमारे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है और बहुत सारे वचनों का निर्वहन किया है, जिसकी वजह से हम चुनाव आप चुनाव जीत के जनता के बीच में क्या क्या योजनाओं का लाभ दिलाएंगे? ऐसी कोई योजना है जो आप यहाँ बता के जा सके जनता के बीच? देखिए, अब बहुत सारी योजना है। गरीबों को 6,000 रुपये प्रति माह, 72,000 रुपये प्रति वर्ष की हमारी सरकार बनेगी तो वो दिए जाएंगे। बहुत सारी बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने का हमारा कार्य योजना रहेगी। मनरेगा के माध्यम से जो हमारे अभी 100 दिन का काम का था वो 150 दिन का किया जाएगा और बहुत सारी हमारी चीज़ें जो खाली पद पड़े उनमें नौजवानों के पद भरे जाएंगे। जितने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे मान लो BSNL की दुर्दशा कर दी है और जियो का विज्ञापन करते हैं, ऐसे हम बहुत सारे जो हमारे उपक्रम हैं देश के, उन उपक्रम को हम ठीक कराने का काम करेंगे और चुस्त दुरुस्त कराने का काम करेंगे।